तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लुक रेफरेंसेस फॉर्मूले। रेफरेंसेस फॉर्मूले मतलब कि जो रेफरेंसेस मतलब कि जो सेल एड्रेस है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिसको हम किसी और फॉर्मूले के साथ मर्ज करके एक अच्छा खासा यूज करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा एड्रेस का है। एड्रेस का फॉर्मूला देखिए, देखिए एड्रेस A1 B1 C1 इस तरह से होते हैं। लेकिन सपोज आपके पास एड्रेस रो एंड कॉलम में हो, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि 5वां रो और 8वां कॉलम हो, उसका एड्रेस क्या होगा वो आपका एड्रेस फॉर्मूला बताता है। Row 5 and 8 column, ये आपका H5 आ गया, H5। लेकिन H5 सेल का एड्रेस आया है, हमें सेल के एड्रेस से क्या लेना देना, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो सेल एड्रेस अगर टेक्स्ट में है, क्योंकि आपका जो एड्रेस का फॉर्मूला है इसमें टेक्स्ट में रिटर्न किया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्मूला से कन्वर्ट करते हैं नंबर में। इनडायरेक्ट फॉर्मूला से कन्वर्ट करते हैं नंबर में और यहां हमारा नंबर आ जाता है। तो सर ये 652 कैसा आया? ये हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया, इस तरह से आया। इनडायरेक्ट के फॉर्मूले में हमने D3 लिखा और D3 के ऊपर रेफरेंस था H5, इसने H5 को कन्वर्ट कर दिया इसके रेफरेंस में और फिर इसका वैल्यू आ गया। मतलब कि मैं डायरेक्ट अगर H5 इस तरह से लिखूं तो रेफरेंस आना है, लेकिन H5 हमारा इक्वल लगा के नहीं लिखा हुआ है, एज ए टेक्स्ट है और मुझे किसी और सेल पे चाहिए, तो उस केस में हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि आपने H यहां लिखा हुआ है और 5 आपने यहां लिखा हुआ है, तो आपने कॉलकाता लेट लगाया और इन दोनों को कंबाइन करके H5 बना दिया। लेकिन H5 करने से ये थोड़ी होगा कि आपका रेफरेंस आ जाएगा। इस H5 को अगर आप इनडायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे तब जाके इसका रिजल्ट आएगा। अब कैसे काम करता है यहां पे देखिए, तो यहाँ एवलेट करते हैं तो H हो गया, ये हमारा 9 हो गया, दोनों को कंबाइन हुए तो ये हमारा 5 हो गया। क्या हो गया, H5। और H5 इनडायरेक्ट को कैसे मिला, इन द इन्वर्टेड कॉमा। फिर मैंने इसको एवलेट किया तो ये आपको 652 दिख गया। क्लियर है? यस सर। ये आपको 652 आ गया। ओके, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, चलिए इसकी बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं। मैं यहां पे एक छोटा सा समरी बनाता हूं, नेम, और यहां पे मैं मंथ दे देता हूं, जैन 5 मार्च इस तरह से। और यहां पे मैं देता हूं पूजा, और यहां पे हम फिगर अपने सारे फिगर दे देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहां पे चाहिए, मैं यहां पे नेम रखूं और यहां पे क्वार्टर का नंबर दिया 1, तो मुझे पूजा की क्वार्टर या जो भी नाम है उसके क्वार्टर 1 का डेटा आना चाहिए जो कि जैन 5 मार्च का है। क्लियर है? तो कैसे करें, अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं क्या होगा। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं किसका, चूज का। चूज में हमारा इंडेक्स नंबर आ गया। अब इंडेक्स नंबर मतलब कि इसमें हमें क्या करना है कि इसका पहला नंबर से अगर 1 हो तो जैन, अगर 2 हो तो अप्रैल, हर क्वार्टर का पहला नंबर चाहिए, पहला मंथ चाहिए यहाँ पे। तो जनरली इसके लिए आप इफ फॉर्मा लगाएंगे, लेकिन मेरा इनपुट सीक्वेंस है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली चूज लगा देता हूँ।
यहाँ चूज में क्या हुआ कि हमें कंडीशंस बार बार नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ पे जस्ट एक बार सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप देते चले जाओ कि जैन के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका हो जाएगा जुलाई, उसके बाद अक्टूबर, और इसको हमने क्लोज कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैच का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैच करता है, और इसको हमने सेलेक्ट किया और बोला कि इसमें लुकअप कर इस रो में, और इसने बताया कि मैच जो है बताया कि अप्रैल 5वें नंबर कॉलन में है। और फिर हमने यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगाया, और नहीं रो नहीं माफ कीजिए, वापस मैच का फॉर्मूला लगाया, और हमने मैच का फॉर्मूला लगाया पूजा को, और हमने इसमें ढूंढा, तो इसमें मुझे मिला कि पूजा का रो नंबर क्या है। लेकिन याद रखिएगा मैंने सिलेक्शन नेम से करना चाहिए था ना, तो ये आपका 2 हो गया। तो 5वां नंबर कॉलर एंड दूसरा नंबर रो। तो यहां पे हमने क्या किया, एड्रेस का फॉर्मूला लगाया, उसमें रोल नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 5 को सिलेक्ट कर लिया, रिजल्ट E2 आ गया। और फिर यहां पे अगेन मैंने यहां पे दे दिया एड्रेस का, और हमने बोला कि दूसरा नंबर रो और कॉलम जो है 5+2=7, 5+2=7 क्योंकि कि अप्रैल से लेके मुझे जून तक का चाहिए ना, तो मेरा डेटा E2 से स्टार्ट है और G2 पे खत्म है, इसलिए मैंने 5+2 करा। अब मुझे इसको आपस में कंबाइन करना है, क्योंकि कंबाइन करने का पर्पस ये है कि जब हम सम को या किसी फॉर्मूले को रेफरेंस दूंगा तो E2 से G2 इस फॉर्मेट में दूंगा ना, तो उस केस में मुझे यहां पे फॉर्मूला लगाना है इनडायरेक्ट, नहीं माफ कीजिए इनडायरेक्ट बाद में, पहले देना है इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है कॉलम के साथ। अब मुझे इसको रिजल्ट लाने के लिए सम का फॉर्मूला चाहिए, और सम डायरेक्ट इसको रीड करेगा नहीं, तो हमें देना है इनडायरेक्ट का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट, और फिर इसको सिलेक्ट करना है, रिजल्ट 104 आपके सामने है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्वार्टर 2 करता हूँ, क्वार्टर 1 करता हूँ यहाँ पे, तो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इतने सारे झमेले से हुआ, मुझे इसको एक सेल में चाहिए था, तो चलिए 1 बाय 1 हम करते हैं। सबसे पहले हम चूज को देखते हैं, चूज को हम यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ जहाँ C20 है वहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि चूज हमारा मर्ज हो जाए। फिर इस मैच को कॉपी किया और इन दोनों में है ना, ये आपका D12 और यहां भी D12 है, यहां पेस्ट कर दिया। फिर वापस मैं इस मैच को कॉपी किया और यहां पे 13 B13 है, B13 पे पेस्ट कर दिया, यहां पे B13 है, यहां पे पेस्ट कर दिया। फिर हम इन दोनों फॉर्मूले को कॉपी किए और यहां ये यहां पे कंबाइन है C13, तो सी का फॉर्मूला सी पे और फिर डी का फॉर्मूला डी पे हम कॉपी कर देंगे, और फिर पूरे पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहां इनडायरेक्ट में E13 पे डाल देंगे। E13 में डाल देंगे, इक्वल इसमें लिया हुआ, पक्का इक्वल होगा, यहाँ इक्वल लिया हुआ है। अब मैं कट करके रिपोर्ट मैं डायरेक्टली यहां पे डाल देता हूं, अब बाकी सब रखने की जरूरत नहीं है, मैं पूजा की जगह पे इंदर दूं तो इंदर का समान आ जाएगा। आया समझ में? हाँ जी तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं।
इसमें चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हाइपरलिंक की, जैसे www. हमने लिखा google.com, तो इस पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक हियर का बटन लगाना है कि इस पे क्लिक करके गूगल खुल जाए। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, तो जनरली इस पे हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर देते हैं ना यहाँ पे लिंक, लेकिन तो एक सेल हो तो कर लोगे, ऐसे मेरे पास नीचे बहुत सारे सेल है तब क्या करेंगे। तो उसके लिए यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक लिंक लोकेशन और क्या नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। और यहाँ पे इस पे क्लिक करते आपका हाइपरलिंक खुल जाएगा। ओके सर, जी प्रमोद जी, कुंदन जी, मनोज जी, समझ में आया? सर, अब इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है रो का है। रो फॉर्मूला जो है जहां आप लगाओगे उसी कॉलम का रो नंबर दिखा देता है, या फिर अगर मैंने इसमें किसी का रेफरेंस दिया तो उसका रो नंबर दिखाता है। इसका यूज एक काम और कर सकते हैं, जिसके हम कोई सीरियल नंबर लिखते हैं और बीच में से डेटा अगर डिलीट हो जाती है तो सीरियल हमारा मिसबैलेंस हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं रो फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं सीरियल नंबर के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि अगर बीच से कोई डेटा अगर मिसप्लेस होती है तो अपने आप को सीक्वेंस कर लेगा। कर लिया ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे सीरियल नंबर यहां से देना है, तो अगर यहां मैं रो का फॉर्मूला लगाता हूं तो यहां पर तो 11 आएगा, यहां 1 तो नहीं आएगा। तो 1 लाने के लिए इसमें से -10 कर दीजिए, ये आपका 1 आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास कॉलन का फॉर्मूला है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए तो कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह से हमारे पास रोज का फॉर्मूला है, तो रो एंड रोज में डिफरेंस क्या है कि रोज में हम कई सारे रो सेलेक्ट करते हैं और बताता है कि आपने कितना रो सेलेक्ट कर रखा है, और सेम कॉलम में जितना कॉलम आप सेलेक्ट करोगे उसको बताएगा आपने कितना कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। तो इन सबों का यूज, देखिए कॉलम का यूज तो हम कल की क्लास में, नेक्स्ट जो वीलुकअप की क्लासेस है उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी रोज वगैरह हम एरे फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर है? रो हाँ फॉर्मूला के एक और एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास एक डेटा है, अब मुझे क्या करना है कि इस डेटा को फिल्टर करना है, लेकिन फिल्टर में प्रॉब्लम क्या है कि कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ रैम को करना है या किसको करना है। कंडीशन ये है कि मुझे हर थर्ड डेटा को फिल्टर करना है, हर थर्ड डेटा को फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा रो का, ऐसे -1 करता हूँ ताकि 1 से स्टार्ट हो जाए। और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोड का जो कि सेल्स पॉलिनोमियल लगाने बताता है, तो मैं इसका 3 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका शेषफल जो है 1 to 3 कुछ हो सकता है, लेकिन जहां 3 का मल्टीप्लेक्स होगा वहां पे 0 आएगा। जैसे 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0, और फिर हम 0 वाला फिल्टर यहां से उठा लेंगे। ओके सर, क्लियर है? मॉडल तो इसके मॉडल क्या, हेलो कुछ पूछ रहे हैं सर? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रमोद जी कुछ पूछ हेलो। रहे हैं हाँ आप? जी सर, इसे एक बार दोबारा रिपीट करना प्लीज सर। इसे सर दोबारा रिपीट कर दो एक बार कुछ नहीं इसको। करना है सर, रो फॉर्मूले निकल गया, मोड फॉर्मूले से हमने 3 से डिवाइड करके उसका शेषफल निकाल लिया, तो जो 3 से पूरा तरह डिवाइड हो जाएगा उसका शेषफल 0 होगा।
क्या सेसफुल समझते हैं ना, जी तो सेसफुल निकालना है, मोड का यूज होता है ये समझते हैं कि जो जीरो जो तीन से तीन का जो मल्टी हर तीसरे डेटा को उस जगह पे जीरो आ जाएगा यहाँ देख, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन छः नौ सात तीन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना पूरी तरह, फिर जीरो को फिल्टर कर लीजिए। अब इसको ट्राई करके देखिए तब तो समझ में आएगा। बट नहीं, बट ये 3 को 1 को डिवाइड कर 3 से 1 आउटपुट कैसा आ गया था इसका? वन आउटपुट नहीं है सर, वन शेषफल है। तीन अगर तीन से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आता है ना, शेषफल में सर 3 को, सर अगर 1 1 को डिवाइड, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 कैसा यहाँ पे हम करेंगे तो शेषफल एक ही बचेगा ना, एक डिवाइड तो होगा नहीं, आएगा? हाँ, तो 0 मतलब ये 0। जीरो नहीं ओके ओके, होगा। समझ गया सर, ये समझ देखिए गया। ये नहीं दिखाता है, जैसे देखिए बताता हूँ आपको, अगर मैं 5 से 14 को डिवाइड करूंगा तो ये क्या करेगा कि 2 डालेगा और यहाँ पे 10, 4 बचेगा ना, समझ गया सर, और 4 ठीक के बाद सर। अभी डॉट लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो इसको बोलते हैं शेषफल। ओके, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1 क्यों ये दिख रहा बंद है है, सर। क्योंकि 3 से इसने 4 को डिवाइड किया ना, तो सर एक वो तो समझ गया, यहाँ ऊपर गई 3 मैं हो गया, कंफ्यूजन। ठीक है एक सर, शेष पर बचा। चलिए तो ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज 2 लोग नहीं आए हैं इसलिए मैं वीलुकअप इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और वीलुकअप के वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे वीलुकअप। अच्छा सर, ये एक्सेल में पेंसिल से कैसे लिखा जाता है?